तुम लोग बैठो, मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। मंदिरा तू भी रुक, मैं अभी आई हूँ। करना कि तू एक एहसान वे, ए उम्मीद कदे साथ नहीं ओ छड़ेगा, जान बढ़ के तू जान नहीं ओ कटेगा, जान बढ़ के तू जान नहीं ओ कटेगा। ये राहुल कहाँ चला गया? अभी तो यही था। हसाउड जो चेरे तो यारी तालावी, सिगरेट पी रहा है। तुझे पता है ना सिगरेट पीना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है, और तुझे तो आर्मी बनना है ना, ये पीकर आर्मी बनेगा तू। सॉरी यार, पता नहीं मुझे ऐसी आदत कैसे लग गई। तुझे जो ये आदत लगी है ना, इस आदत को सुधार ले, वरना एक दिन ये तेरी लाइफ खराब कर देगी और तेरा आर्मी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। सॉरी दोस्त, अब से कभी नहीं पीऊंगा। देख राहुल, लाइफ बहुत अच्छी है, इसे अच्छे आदतों में डाल। सॉरी दोस्त, आज से नो स्मोकिंग। पक्का? पक्का। चला चल। कोई नहीं खड़ूगा तेरे नाल, मैं खड़ूंगी, ओ जिन्ना तू करेगा ते तो वध के। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं तो वॉशरूम गया था। मैं भी वॉशरूम गई थी। दोनों ही वॉशरूम गए थे? तुम दोनों का क्या सीन है? बकवास बंद कर। तो यारी तालावी, जीनी भूगी तेरे तो सांभवी नहीं हो। राखी, राहुल, तुम दोनों भी बोर हो जाते हो क्या स्कूल में मेरी तरह? नहीं तो? मैं भी तो बोर नहीं होता। सर, मैं ही बोर होती हूँ। तू है ही इतना बोरिंग। चल। तू भी ना। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। तुम दोनों का ये थैंक यू, वेलकम वेलकम, थैंक यू। अरे राखी, मुझे से धक्का लग गया था, इसलिए मैं उसको थैंक यू वेलकम सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वैसे तुम्हें मैंने कभी स्कूल में देखा नहीं। कौन से क्लास में पढ़ती हो? क्लास 12। हम भी तो 12 में ही पढ़ते हैं, हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। देखा होगा शायद, तुमने नोटिस नहीं किया। हाँ चलो, वैसे मेरा नाम राखी है, इसका नाम मंदिरा, और ये आई एम राहुल। आई एम सॉरी। ठीक है, शायद आप क्लास जा रहे थे। चल राहुल, चल मंदिरा। राहुल तो गया। साइड दे। यार क्या लड़की थी, मैं इससे नजर ही नहीं हट रहा था, पता है? पहली नजर में कैसा जादू। चुप कर मंदिरा। राहुल तू भी लड़की के लिए नहीं, अपने सपनों के बारे में सोच। चलो अब। तू करेगा ते थो वद की करूंगी, जिथे कोई नहीं खड़ूंगा तेरे नाल। राहुल कहाँ है? दिख ही नहीं रहा। मंदिरा से पूछ लो। मंदिरा, तूने राहुल को कहीं देखा है? मैंने तो सुबह से नहीं देखा। रुक रुक, राखी मैं भी आ रही। हाँ जल्दी चल, ये राहुल कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे राखी, वो रहा राहुल। मुझे पता नहीं था कि तू भी मुझसे प्यार करेगी। राहुल, शायद इसे ही पहली नजर का प्यार कहते हैं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये तुम दोनों का पागलपन है। राखी तू? हाँ मैं। और ये क्या पागलों जैसी हरकत कर रहा है? राखी, शायद मैं पागल ही हो गया हूँ सिमी के प्यार में। क्या? और सिमी तू इसकी बातों पे आ रहा है? चल जा, नहीं तो मैं अभी सर को सब कुछ बता दूंगी। चल जा। राखी, तुझे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? तेरी खुशी देखी जाती है, इसीलिए यहाँ पे हो। ये देख, आर्मी का फॉर्म निकला है। यार मुझे इसका कितना दिन से इंतजार था। थैंक यू राखी, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। शायद सिमी गुस्सा हो गई, पर कोई नहीं, मैं उसको मना लूंगा। राखी, तू राहुल को लाइक करती है क्या? तू पागल हो गई है क्या? और मंदिरा तू ऐसा क्यों बोल रही है? तो तू कल राहुल और सिमी को साथ में देखकर जेलस क्यों हो रही थी? जेलस? मैं कब जेलस हुई? तो तू गुस्सा क्यों हो रही थी? अरे मैं गुस्सा इसीलिए हो गई क्योंकि मैं राहुल को क्योंकि मुझे उसको फॉर्म देना था ना, शायद इसीलिए गुस्सा हो गई थी। और वैसे भी राहुल सिर्फ मेरा दोस्त है, सिर्फ दोस्त। पर हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि राहुल किसी लड़की के चक्कर में ना पड़े, और ना ही तू किसी लड़के के चक्कर में पड़े। समझ गई? हाँ समझ गई। और सच बोलूँ तो ये प्यार व्यार के चक्कर में ना, हम लड़के लड़कियाँ ना
अपनी लाइफ खराब ही कर लेते हैं। ये तुझे किसने कहा? मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने भी तो एक लड़की के चक्कर में अपनी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म कर ली थी ना। राखी, तू वो बात फिर से क्यों कर रही है? छोड़ ना इस बातों को, चल। चल। राहुल, तुम्हारे और राखी के बीच कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं, तू पागल है क्या? राखी मेरी दोस्त है और हम तीनों बेस्ट फ्रेंड है। कैसी कैसी बात करते सिमी तू? राखी, राहुल और सिमी का सच में कुछ चक्कर चल रही है शायद। चल ना इनकी बातें सुनते हैं। राहुल, अगले हफ्ते स्कूल बंद है, हम घूमने चले? हाँ, क्यों नहीं, पर कहाँ चले? सिक्किम। ओके डन। अगले हफ्ते कैसे घूमने जाओगे तुम लोग? अगले हफ्ते तो तेरा रनिंग है ना। राखी तू फिर से आ गई। राखी, तुम हमेशा हमारे बीच में टांग क्यों अड़ाते हो? ये देख मुझसे कैसे बात कर रहा है। और हाँ, मैं टांग अड़ाऊंगी क्योंकि राहुल मेरा दोस्त है। और राहुल, तुझे रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, समझे ना? समझ गया। रनिंग की चिंता तू मत कर, मैं देख लूंगा। देख, तेरे वजह से फिर से सिमी चला गया। इस सिमी की छोड़ और रनिंग की प्रैक्टिस कर। रनिंग मैं बाद में देख लूंगा, मैं तो सिमी के साथ घूमने जाऊंगा। और प्लीज मेरे पीछे मत आ। राहुल, इस लड़के की अगले हफ्ते रनिंग है, पता नहीं ये क्या कर रहा है। मैंने जो गलती किया, राहुल भी वही गलती करने जा रहा है। मंदिरा, मैं राहुल को कैसे समझाऊं? सिमी, सिमी रुको ना, तुम मेरे दोस्त से गुस्सा हो। हम नेक्स्ट वीक जाएंगे ना घूमने सिक्किम। और तुम्हारा रनिंग का वो मैं बाद में देख लूंगा। राखी, ये सिमी और राहुल तो आजकल क्लास ही अटेंड नहीं करते। ये लोग अपनी पढ़ाई खराब कर रहे हैं। चल। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। यहाँ पे मेरा भाई का स्कूल में एडमिशन कराने आया हूँ, आप बता सकते हैं प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? हाँ बता सकती हूँ, चलिए मेरे साथ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज है। थैंक यू प्रिंसिपल का ऑफिस दिखाने के लिए, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। वैसे आपका नंबर मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। ये तो सिमी है, और ये लड़का कौन है? 98। थैंक यू। ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगा। हाँ ठीक है, बाय। सिमी, ये लड़का कौन था और तूने इसको नंबर दिया ना? नहीं, वो प्रिंसिपल का ऑफिस ढूंढ रहा था। तुम भी ना राहुल, बेफालतू शक करते हो मुझसे। ठीक है राज, कल आ जाऊंगी 10 बजे डिमलन पार्क में। ओके बाय बेबी। राहुल, किसे बात कर रही थी? दोस्त के साथ। ठीक है, अब चल। राखी, मुझे लग रहा है सिमी मुझे धोखा दे रही है। तुझे कैसे पता? क्योंकि सिमी एक लड़की के साथ बात कर रही है और वो कल मिलने जा रही है। मुझे शक है वही लड़का है। क्या? हाँ, अगर कल मुझे सिमी धोखा देगी तो मैं इस प्यार के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। मैं बस पढ़ाई में फोकस करूंगा। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि ये प्यार के चक्कर में मत पड़, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। तुम दोनों क्या कल मेरे साथ जिमलैंड जाओगे? तुम दोनों जाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ क्यों नहीं, हम जाएंगे। राहुल, सिमी। हाँ मेरे साथ। सिमी, वेल डन। सिमी वेल डन, तूने बहुत अच्छा किया मेरे साथ, अब मेरा अकल खुल गया। तूने सही कहा था राखी, इस प्यार के चक्कर में कोई पढ़ना ही नहीं चाहिए। पर मैं अब राखी प्यार में नहीं पढ़ाई में ध्यान दूंगा, इसकी वजह से मेरा रनिंग छूट गया। राहुल, रनिंग तो परसों है ना, और 2 दिन टाइम है तेरे पास, तू प्रैक्टिस कर। मेरे साथ आ। तू जा, मैं अभी आ रही हूँ। क्यों? मेरा सिमी से हिस्सा बाकी है। थैंक यू सो मच भाई, मेरे मदद करने के लिए। मैंने जो गलती किया, राहुल भी वही गलती करने जा रहा है। मंदिरा, मैं राहुल को कैसे समझाऊं?
तो चलना तो हम उसे समझाते हैं। मंदिरा, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि राहुल नहीं समझने वाला। हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा ताकि वो वही गलती ना करे जो मैंने किया था। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? देखो सिमी, मुझे तुम्हें कुछ समझाना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो सिमी, मुझे पता है तुम और राहुल एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन ये प्यार करने का उम्र नहीं है, ये पढ़ाई करने का उम्र है। पर मैंने तो सुना है प्यार करने का कोई उम्र नहीं होता। मैं भी यही सोचती थी कि प्यार करने का कोई उम्र नहीं होता, पर मैंने जिस लड़की को प्यार किया था ना, उसने मुझे धोखा दे दिया और मेरी पढ़ाई खराब हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सही टाइम पे होश आ गया, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो सिमी, मैं तुम्हें एक दोस्त में एक बहन होने के नाते समझा रही हूँ कि अभी प्यार पे नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। प्यार करने के लिए तो पूरी उम्र बाकी है ना। पढ़ाई करो, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करो, इस प्यार के चक्कर में अपनी टाइम बर्बाद मत करो। सिमी, तुमने ठीक कहा राखी, मेरे पापा तो एक टैक्सी ड्राइवर है और मुझे कितनी मुश्किल से पढ़ाते हैं। आज से मैं प्यार में नहीं, पढ़ाई में ध्यान दूंगी। थैंक यू सिमी, तुमने मेरी बात समझी। पर ये बात तुम राहुल को भी समझा देना। मैंने राहुल को समझाने की कोशिश की। राहुल, तू मेरा दोस्त है, इस नाते मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। क्या बोलना, जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं। देख राहुल, ये जो तू प्यार व्यार के चक्कर में पड़ रहा है ना, ये बहुत गलत जा रहा है। तू मुझे मत सिखा, मैं क्या सही और क्या गलत कर रहा हूँ। राहुल, मैंने जो गलती किया है ना, तू भी वही करने जा रहा है, प्लीज ऐसा मत कर। सब तेरे तरह अनलक्की नहीं होता है ना। मैं सिमी से प्यार करता हूँ, सिमी भी मुझसे प्यार करता है, इसमें दिक्कत क्या है? एक बात बोलूं, तूने लड़का ही गलत चूज किया था। राहुल, राहुल मेरी बात सुन ना राहुल, इसे मैं कैसे समझाऊं कि ये प्यार के चक्कर में ना पड़े। पर राहुल ने मेरी बात सुना ही नहीं। हमें राहुल को समझाने के लिए कुछ अलग करना होगा। मैंने सोचा है कि क्यों ना हम तुम मेरे साथ तो दोगी ना? हाँ ठीक है। थैंक यू मत बोल, इसमें तो मेरी भी भलाई है। ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं चलता हूँ, बाय। मुझे पता है हमने राहुल के साथ गलत किया, पर कभी कभी दोस्त की भलाई के लिए ना उसके साथ गलत कर ही लेना पड़ता है। कोई नहीं, अब से वो अपने पढ़ाई में ध्यान देगा और मैं भी अपने पढ़ाई में ध्यान दूंगी। पता नहीं मैंने सही किया या गलत। तूने सही किया राखी, पहले पढ़ाई है, उसके बाद प्यार व्यार करो, क्या जाता है। शायद तू ठीक कह रही है। ठीक है, तुम अब अपनी पढ़ाई में ध्यान देना, हम चलते हैं, चल मंदिरा। मुझे भी अब पढ़ लिख के कुछ बनना है, अपने पापा का नाम रोशन करना है। इस बार तो मेरा रनिंग में सिलेक्शन होके ही रहेगा, और किसी भी हालत पर मुझे आर्मी बनना है और बन के ही रहूंगा। आपको क्या लगता है? क्या हुआ? मेरे एक दोस्त होने के नाते राहुल के साथ सही किया या गलत? पागल है क्या?